हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा पियोनी पॉपी है। देखिए कलर इसमें डिफरेंट खिला है, कई पेटल हैं इसमें, देख रहे हैं आप। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं तो सोच रही थी ये सिंगल पेटल में ही निकलते हैं, मगर ये मल्टी पेटल में भी निकलते हैं इस तरह के शेडेड वाले। इसके एजेस जो हैं ये वाइट कलर के, बहुत प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। देखिए वैसे इस तरह के निकलते हैं सिंगल पेटल में, इस तरह के एजेस वाइट हो, बट ये पियोनी पॉपी की तरह है, मल्टी पेटल है। देखिए कितनी लेयर है इसके अंदर, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमने सीड ग्रो किए थे, कुछ सीड उगाए थे जीनिया के, तो देखिए वो जर्मिनेट हो गए हैं। ये देखिए ये सभी जीनिया के ही सीड है। कुछ सदाबहार के भी डाल दिए थे मैंने, तो वो भी जर्मिनेट हो गए, कुछ ये भी जर्मिनेट हो गए हैं। तो अभी जीनिया का बहुत अच्छा सीजन है, अभी आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे। अभी ये 7 डेज़ का अपडेट है। देखिए ट्रू लीफ आने लगी है इसमें। ये देखिए मैं इसी का वेट कर रही थी कि इसमें ये जो डबल पत्ती है वो आए, तब मैं आपको दिखाऊं कि हाँ श्योर हो जाएं आप ये जीनिया ही है। और कई जगह मैंने डाले हैं जीनिया के सीड, और सभी उगाए हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो रहे हैं, अच्छे से ग्रो हो जाते हैं जीनिया के सीड। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं, 20 रुपीज़ में 10 सीड मिलेंगे आपको। अभी बहुत अच्छा सीज़न है, ग्रोइंग सीज़न है। अभी आप फरवरी मार्च तक, अभी आप हाफ मार्च तक अभी आप ग्रो कर सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाएंगे। और ये मेरी स्वीट पी है, इसमें भी देखिए ये फलियां आने लगी हैं। ये देखिए स्वीट पी में, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो रही हैं, फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। और ये जीनिया है, इस समय मेरे यहाँ ये जीनिया भी चल रहा है, वो सॉरी जीनिया बोल रही है, अभी जीनिया घुसा हुआ मेरे दिमाग में। ये डहेलिया देखिए कितने ढेर सारे फूल खिले हुए हैं, कुछ ये भी डहेलिया है एक ये। तो ये मेरे पास बहुत सारे डहेलिया के प्लांट निकल रहे हैं। ये देखिए ये फ्लावर ये भी होने वाला है। हॉली हॉक तो धमाल मचाता है हर साल मेरे यहाँ, ये वाला कलर तो बहुत ईजीली ग्रो होता है और ढेर सारे फूल आते हैं, और एक ही में कई एक ब्रांचें निकली हुई हैं। और एक ये निकला है डहेलिया, ये लास्ट बिल्कुल लास्ट में लगाया था मैंने, जनवरी लास्ट में लगाया होगा, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, तो अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई है। देखिए कितने अच्छे फूल आ रहे हैं। एक ये प्लांट है डहेलिया का, ये स्वीट सुल्तान है। और ये देखिए डॉग फ्लावर, कितना प्यारा कलर आ रहा है, बहुत सुंदर कलर है, बहुत खूबसूरत कलर हो रहा है। एक ये प्लांट है, और एक वो देखिए वहाँ पर है, ये दो प्लांट है, और उस साइड में भी है। ये देखिए एक फूल, ये पर्पल वाला, ये डहेलिया खिल रहा है। ये देखिए ये भी, ये हॉली हॉक है। ये मेरे यहाँ के पता नहीं कि हॉली हॉक इतने लंबे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी गमलों में। और ये वाइट में है, ये देखिए मैंने आपको वाइट दिखाया था शायद, मैं अपने नीचे हुआ था, तो ये वाइट में है। और ये देखिए ये तो कमाल कर रही है, पूरा कवर अप कर लिया, इतने ढेर सारे फूल आ रहे हैं, बहुत सारे फूल ही फूल आ रहे हैं, भर के फूल आ रहे हैं इसमें, और बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो ये मेरा गार्डन का ओवरव्यू, इस बार मैं कोई भी ओवरव्यू नहीं डाला था गार्डन का। ये देखिए ये सिंगल पेटल वाले हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सिंगल पेटल वाले हैं। और ये भी मेरे यहाँ काफ़ी दिनों से खिल रहे हैं, जैसे मौसम सही हुआ तब से खिल रहे हैं। ये एक प्लांट ये है, और ये येलो वाला है, इसके सीड भी तैयार हो गए हैं। ये सीड पॉट भी मैं निकाल के रखी लेती हूँ, थोड़ा ड्राई करने के बाद में ही स्टोर करूँगी इन्हें। ये देखिए एक पॉट में कितने सीड पॉट हैं, कितने सीड हैं देख रहे हैं आप, ये कम से कम 50 सीड से ऊपर ही होंगे। तो अच्छी तरह भी अब ग्रोथ ले रहा है, इस पर भी मैं थोड़ा सा काम करना है, इसमें खाद वगैरह देनी है, पर अभी टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को। ये अभी ग्रोथ शुरू हुई है, इसमें खाद वगैरह डालने को, सभी में अभी खाद डालेंगे तो फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करेंगे। ये सीजन बहुत अच्छा है अभी खाद वगैरह देने का। और ये है, ये एक क्रिसेंथेमम में ट्राइकलर सीड से ग्रो की हुई थी, और इसमें ये देखिए इतने अच्छे फूल आ रहे हैं। ये देखिए प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला। और ये कैक्टस है, इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, इनमें अभी फ्लावर नहीं आए हैं पर उसमें शुरू हो गई है फ्लावरिंग। ये तो मेरा कैक्टस बिल्कुल ख़राब हो गया, इस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा, इसे काट पीट के सही कर दूँ पर फुर्सत ही नहीं मिल रही है मुझे, तो क्या ही कर सकती हूँ। ये देखिए लास्ट के ऊपर का ये प्लांट है, इसमें काफ़ी कई फूल खिल रहे हैं, कई प्लांट में फूल खिल रहे हैं मेरे यहाँ।
और बहुत सुंदर फूल खिल रहे हैं, ढेर सारे फूल ही फूल आ रहे हैं। आज मौसम ठंडा हो रहा है थोड़ा सा, पानी इसमें मैंने भर तो दिया था पर लगाना भूल गई। ये भी एक है हॉलीहॉक, ये डोफ वैरायटी के हैं ये वाले हैं, और एक दो और है, एक वो है डोफ वैरायटी का, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये मैंने सीड खरीदे थे। और ये देखिए इसके प्लांट नीचे भी कई एक हैं, बहुत ढेर सारे खिल रहे हैं। और ये है देखिए, इसमें खूब ढेर सारे फूल आ रहे हैं। और ये देखिए मालवा हॉलीहॉक, इसमें तो खूब ढेर सारी कलियाँ, खूब ढेर सारे फूल आ गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे से चीनी टीनी से, मतलब इतना बड़ा साइज होगा इनका, ये इतना बड़ा साइज है इनका। और ये देखिए लट्स के ऊपर इसके चार पांच प्लांट ही रखे हैं मैंने, ज़्यादा नहीं रखे क्योंकि रखने की भी दिक्कत हो जाती है ना। अब ये भी मैंने इसके साथ में लगा रखा है, ये क्रैसेंथेमम है, ये ढेर सारे देख रहे हैं आप, ये ढेर सारे सीड से ग्रो किए हुए क्रैसेंथेमम है। ये ट्रांसप्लांट करने की भी जगह नहीं है मेरे पास, अभी दिक्कत हो रही है। ये पिटूनिया, कितने सुंदर फूल लग रहे हैं इनके, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसमें दो कलर आते हैं, एक ये वाइट है और एक ये है। देखिए कुछ तो आइस प्लांट है मेरे ट्रांसप्लांट करने के लिए, देख रहे हैं आप, ये आइस प्लांट है। और ये भी मैं ट्रांसप्लांट करने की जगह नहीं, मैं काहे में लगाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये डॉग फ्लावर ट्रांसप्लांटिंग के लिए, ये भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ ट्रांसप्लांट करूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है गमलों की, जबकि इतने गमले हैं तो भी दिक्कत हो रही है। ये सनफ्लावर है तो ये भी अच्छे से चल रहा है, इसे भी मुझे रिपोर्ट करने का टाइम नहीं मिला, इसके साथ में ही लगा हुआ है तो इस पे ग्रोथ पे असर पड़ रहा है, ये सारी एनर्जी खा रहा है, टाइम मिले तब ना। ये भी थोड़े थोड़े फूल खिलने लगे हैं, अभी इनकी कंडीशन ऐसी ही है। सारे प्रून करूँगी मैं, तो अगर किसी को कटिंग चाहिए तो वो मेरे से ले सकता है। तो बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं मेरे पास हिबिस्किस के। और ये जरबेरा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं जरबेरा कलर, कुछ तो मर गए मेरे इस बार विंटर में। और ये देखिए कुछ में फूल अभी खिले नहीं हैं, जैसे इस वाले में भी फूल नहीं खिल रहे हैं, इस वाले में भी फूल नहीं खिल रहे हैं, एक और था वो मर गया, दो मर चुके हैं मेरे पास। अब ये पता नहीं कौन सा कलर निकलेगा, मुझे येलो लग रहा है ये वाला, ये मैं लेके भी आई थी खरीद के, तो बहुत महंगा मिला था मुझे, 120 का मिला था, ये बहुत मुश्किल से दिया था, 150 रुपये का बताया था, बहुत मुश्किल से 120 का दिया था। और इसमें भी कंडीशन ख़राब होने लगी है देखिए। और ये वायला, ये भी अच्छे लगते हैं ना, ये कुछ मेरे गुलाब ख़राब हो गए, पता नहीं शायद मैं ओवर वाटरिंग हो गई या कुछ और हो गया मालूम नहीं, पर हाँ बेकार हो गए। एक ये है डॉग फ्लावर, ये कलर भी यही निकल रहा है लग रहा। और ये स्वीट सुल्तान है, ये डॉग फ्लावर ही है। चलो देखते हैं कौन कौन से फूल खिल निकलते हैं, कौन कौन से नहीं निकलते। अभी हिबिस्किस की कंडीशन बहुत ख़राब है, ये मेरा मेन प्लांट था तो इसकी मैंने कटिंग लगा दी थी, तैयार हो गई थी, और ये देखो अब इसमें फिर से न्यू शुरू हो गई शूट्स। ये हाइब्रिड वाली लग रही है पिटूनिया, इसे मैं लगा देती हूँ निकाल के किसी और प्लांट में, इतनी छोटे से में तो नहीं चल पाएगी, निकालती हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स नई जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तो मेरे गार्डन को देखते रहिए, खुश होते रहिए, और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ले लीजिए मुझसे। नई जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।